Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं अस्त्रा मिसाइल के बारे में। तो जी हां दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल को लेके ये खबर आ रही है कि अस्त्रा मिसाइल के मेकर्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अस्त्रा मिसाइल का फर्स्ट बैच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं इस साल के एंड तक। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अस्त्रा मिसाइल जो कि इंडिया का इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ और बीडीएल ने मिलकर डेवलप किया है, और 2017 से लेकर 2018 के बीच में तकरीबन इस पे 13 राउंड ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, और उन सभी टेस्ट के बाद इसे क्लियरेंस दिया गया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक पहला बैच आईएएफ को डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि आईएएफ इसे यूज करेगी सुखोई 30 एमकेआई, तेजस और मिराज जैसे फाइटर्स पे डिप्लॉय करने के लिए। जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते ही होंगे, सुखोई 30 का एक अच्छा खासा बैच R-77 का रिटायर हो रहा है, तो उसके सप्लीमेंट के रूप में अस्त्रा को यूज किया जा सकता है। अगर डीआरडीओ की माने तो इस अस्त्रा मिसाइल ने अपने डिफरेंट कंडीशंस के ट्रायल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो इसके एक्यूरेटली टारगेट को हिट करने की वैल्यू के लेके हो या फिर इसके बोर ऑफ साइट के टेस्ट को लेके हो। तो हर तरह के लॉन्ग और शॉर्ट रेंज में इसने डिफरेंट तरह के टारगेट्स को हिट किया है और एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। इसके पहले ऑर्डर के रूप में 50 अस्त्रा मिसाइल का ऑर्डर दिया गया था, और जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होता है, आईएएफ ही प्लान कर रही है कि तकरीबन 500 अस्त्रा बीवी रैम इंडक्ट किया जाए BDL से। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो ये इंडिया का इंडिजिनस अस्त्रा बीवी रैम मिसाइल आपको आने वाले दिनों में इंडिया के मोस्ट ऑफ द फाइटर्स पे डिप्लॉय दिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज की दूसरे डिफेंस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर किए जाने वाले क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बिन गन्स के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इंडियन आर्मी को क्लोज बैटल क्वार्टर कार्बिन CQB गन्स प्रोवाइड करने के लिए कंपनी कारगिल को सेलेक्ट किया गया था, जो कि एक्सटेंसिव ट्रायल के बाद सेलेक्ट किया गया था उसको। और इस डील की कीमत तकरीबन $553 मिलियन बताई जा रही थी, और इसके अंतर्गत 93,895 गन्स इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जाने हैं। और इसके लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर्टिकुलर डील को हैंडल कर रहे कमेटी को ये कहा है कि वो जल्द से जल्द इस पे अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस CQB गन्स के प्रोक्योरमेंट को एक फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रोपेल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इसमें एक ईयर का डिले आपको देखने को मिल सकता है। और इस एक साल के दौरान डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को एवेल्युएट और साइन किया जाएगा, और उसके बाद ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी। जैसा कि आप सबको बता दूं, इस बारे में UAE की कंपनी कारगिल ने अपने RFPs पहले ही सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कमेटी मेंबर्स की तरफ से ये डिले हो रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज की तीसरी डिफेंस न्यूज़ कल के ही हमारे रिपोर्ट किए गए न्यूज़ के ऊपर है, जिसमें ऐसी कुछ खबरें आई थी AIN ऑनलाइन के तरफ से कि पाकिस्तानी पायलट ने राफेल पर ट्रेनिंग ली है। और इस इन्फॉर्मेशन को फ्रांस के एंबेसडर ने सीरे से खारिज करते हुए एक फेक प्रोपेगेंडा बता दिया था, लेकिन उसके बाद ही इसी खबर से जुड़ी एक नई कड़ी सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने IAF से ये मांग की है कि वो डसॉल्ट एविएशन से ये पूछे कि क्या वाकई इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई है। अगर ये रिपोर्ट सच है तो किस लेवल की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की गई है राफेल के ऊपर। हालांकि कुछ IAF ऑफिशियल्स का मानना यह है कि कतर के पास राफेल अगर पहुंचता है तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के पाकिस्तान के पायलट्स उसे एक्सचेंज प्रोग्राम के रूप में कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेते, जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी को। और इन IAF के ऑफिशियल का मानना यह है कि इस तरह की ट्रेनिंग डिफरेंट एक्सरसाइज में होती रहती हैं, पायलट्स को दूसरे फाइटर जेट्स के बारे में जानकारी मिलती है डिफरेंट तरह के एक्सरसाइज में, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है एक IAF के ऑफिशियल का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी डिफेंस न्यूज़ की तरफ। और आज की चौथी डिफेंस न्यूज़ इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है, जहाँ पर इंडियन नेवी ने यह डिमांड रखी है कि इंडियन नेवी के लिए जो 6 सबमरीन बनाए जा रहे हैं 40,000 करोड़ रुपये की लागत से, उनमें स्वदेशी स्टील मिसाइल्स, टॉर्पीडोज और स्वदेशी ही एयर प्रोपल्शन सिस्टम लगाए जाएं, और इन सभी को मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही इंडिया में डेवलप किया जाए, ऐसी डिमांड है इंडियन नेवी की। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो अपकमिंग 6 सबमरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया में बनाए जा रहे हैं, उन सब में इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाया जाए, ऐसी मांग है इंडियन नेवी की। जैसा कि आप सबको बता दूं, इंडियन नेवी का ये 6 सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के MMRCA-2 से ज़्यादा फास्ट चल रहा है, और जल्द ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत फॉरेन OEMs ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सबमरीन को इंडिया में ही डेवलप करने वाली हैं, और इनमें तकरीबन 45% स्वदेशी कंपोनेंट होंगे। तो आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।